अस्सलाम वालेकुम। आज मैं किचन में विंटर स्पेशल में बन रहा है अंडे का हलवा। ठंड में अंडे का हलवा खाने में बहुत ही मज़ा आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने 6 अंडे ब्लेंडिंग जग में डाल दिए हैं। अब मैं इसमें मेल्ट किया हुआ घी डाल दूँगी। आप एज इज भी डाल सकते हैं, मगर मैंने घी को मेल्ट कर लिया है, वो डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, आप इसकी जगह पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डाल देंगे, 2 कप दूध डालेंगे, तो ये पहले 1 कप और ये दूसरा कप। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो अब हम हमारे हलवे को जो है वो कुक करेंगे। तो जो मिक्सचर रेडी करके रखा है, हमने ब्लेंड करके रखा है, उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये हमने कढ़ाई में डाल दिया। अब लो फ्लेम पे हमने इसको इतना पकाना है कि जब तक ये गाढ़ा होना शुरू ना हो जाए। आंच आपने हल्की रखनी है, उस पर हमने इसको पकाना है। चम्मच चलाते रहें। तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ये इलायची डाल देंगे और ये फूड कलर डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। फ्लेम हमने अभी लो ही रखी है, लो फ्लेम पे ही हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अभी भी मुसलसल हमने चम्मच चलाते रहना है। देखें कितना खूबसूरत से कलर आ चुका है इस पर। अब आपने इसको बस कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है और लो फ्लेम पे इसको पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं, हलवा हमारा रेडी हो गया, एकदम गाढ़ा हो गया। जब हमने मिक्सचर डाला था कढ़ाई में, जब हमने लो फ्लेम पे उसको पकाया है, फिर जब वो गाढ़ा होना शुरू हो गया तो हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया था। तो ये देख सकते हैं, हलवा रेडी हो गया। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हलवा हमने प्लेट में निकाल लिया, इस पर चॉप किए हुए बादाम हम इसे गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़े का हलवा बना है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।